सब्सक्राइब कर दीजिए ग्राहक पॉइंट को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह के ग्राहक से जुड़े वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, ग्राहक पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित बर्मन। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं बोट वन इमोर्टल 131 ईयरबड्स। तो गाइस, ये मैंने बोट के ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाया है और ये बोट का एक इमोर्टल ईयरबड्स है, मतलब एक मॉडल है ईयरबड्स का। तो ये यूट्यूब में काफ़ी सारे जगह में मैंने इसका अच्छा रिव्यू पढ़ा था, तो ये अच्छा वाला है बोलकर मैंने ये लिया है। सो गाइस, चलिए खोल कर देख लेते हैं। लेट्स अनबॉक्स दिस। सो बॉक्स के अंदर एक हमें स्लिप मिलता है, इनवॉइस। सो इसका प्राइस आप देख सकते हैं, इसका मुझे पड़ा है टोटल 1064 रुपीस लिखा हुआ है, लेकिन ये टोटल मुझे कुछ 1000 के आसपास ही पड़ा है। सो आपको नीचे दिख जाएगा यहाँ पर साइड पे कितना का मैंने ऑर्डर किया है। तो ये रहा हमारा बोट का बॉक्स। वैसे इसको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से मंगवाया है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे थर्ड पार्टी ऐप से नहीं मंगाया है। तो ये पूरा एकदम ओरिजिनल आना चाहिए क्योंकि ये ओरिजिनल वेबसाइट से मंगाया है। तो चलिए खोलकर देख लेते हैं। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स है और कुछ नहीं। सो ये रहा हमारा बोट का इमोर्टल 131। पैकिंग काफ़ी बढ़िया है, इसका ब्रांडिंग भी अच्छा खासा दिया है। और आप पीछे देखें तो यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखा हुआ है। सबसे पहले बोट सिग्नेचर साउंड लिखा हुआ है, इसका ENS टेक्नोलॉजी यहाँ पर आप देख सकते हैं, विथ क्वाड माइक्स एंड IWP टेक्नोलॉजी, ये पता नहीं है मुझे। और ये सब चार्ज यानी स्पीड चार्जिंग का सपोर्ट है इस पर, IPX4 का वो वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। तो यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत पानी छिट जाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और यहाँ पर ब्लूटूथ 5.3 जो कि इसका हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि ब्लूटूथ 5.3 अभी का लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है। और 10 मिनट्स इज इक्वल टू 1 मिनट ऑफ प्लेबैक टाइम। तो 10 मिनट चार्ज पे ये 180 मिनट का प्लेबैक दे देता है, बता रहा है। तो ये कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स है इसका। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या रहेगा इसके अंदर। और यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं 40 आवर्स का प्ले टाइम है इसका टोटल फुल चार्ज पे। इसका बीस मोड है जिसमें आपका 40 ms का लेटेंसी है, सुपर लो लेटेंसी। तो अभी लेटेस्ट जो है 35 ms का लेटेंसी के साथ आता है, जो सबसे लोएस्ट लेटेंसी वाला ईयरबड्स आते हैं वो 35 ms का आता है, ये सेकेंड है 40 ms का। तो गलत तरफ से हमने खोल दिया है, ये कुछ इस तरह का है। तो काफ़ी इसका डिज़ाइन जो काफ़ी फैंसी है, काफ़ी गेमिंग लुक वाला फील देने के लिए इसका डिज़ाइन बनाया है। इसके अंदर हमें एक और सामान मिलता है। सो ईयरबड्स के अलावा यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कार्ड FAQ कार्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने तरह का क्वेश्चन है जो कि कस्टमर का मन में हो सकता है, वो सब यहाँ पर है और उनका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो ये FAQ कार्ड मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल है, किस तरह इसको यूज़ करना है, यहाँ पर सभी डिटेल्स लिखा हुआ है, बॉक्स कंटेंट वगैरह भी लिखा हुआ है। इसके अलावा हमको यहाँ पर एक वारंटी कार्ड भी मिल जाता है जो कि 1 ईयर का वारंटी के साथ आता है ये। उसके बाद हमें एक और मिल जाता है, एक कैटलॉग मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोट का जितने भी तरह का प्रोडक्ट है उस तरह का यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा हमें एक थैंक यू कार्ड देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टिकर्स भी रखे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टिकर्स है। और
यहाँ पर नीचे एक बोट का सिग्नेचर स्टिकर जो भी सभी प्रोडक्ट में मिल जाता है ये। सो ये सब साइड में रखते हैं, और इसके साथ हमें ये भी दिया गया है, इसको देखना मैं भूल गया था। तो यहाँ पर आई थिंक जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पर एक यूएसबी केबल है, मिनी यूएसबी केबल, बहुत छोटा सा है, आई थिंक कुछ सेंटीमीटर का होना चाहिए, या गाइस ये 25-30 सेंटीमीटर का होगा, आई थिंक 25-30 सेंटीमीटर का छोटा सा एक टाइप सी यूबी केबल मिलता है। तो ये जो है टाइप सी के साथ आता है, तो इसलिए टाइप सी केबल दिया है। तो इसके अंदर और भी कुछ सामान है, देख लेते हैं। तो ये दो जोड़ी ईयर मफ्स मिल जाते हैं। तो ये ईयर मफ्स का काम जो है वो कुछ इस तरह है कि अगर आपका जो ईयर मफ्स ख़राब हो जाए, जो डिफॉल्ट लगा हुआ होता है वो ख़राब हो जाए, तो ये एक्स्ट्रा आपको यहाँ दो जोड़ी मिल जाते हैं ईयर मफ्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा है, एक बड़ा वाला जोड़ी है, तो ये दो जोड़ी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये है हमारा गाइस मेन आइटम, ये मोटल 131। सो ये है कुछ, चलिए इसका एक स्लाइड शो देख लेते हैं पहले। तो गाइस हम अब मेन प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो इसका कुछ फंक्शंस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन करने के, इसके लिड को ओपन करने के साथ ही ये ऑन हो जाता है, और ये जो दोनों ईयरबड्स है ये ऑन हो जाता है। तो ये आप अगर पेयर करके रखा होगा ऑलरेडी अपने डिवाइस से, तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है विद इन 5 सेकेंड, सो कुछ कंट्रोल से। और यहाँ पर इसका जो ये जो है, ये है राइट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट वाला ईयरबड है। और इसका राइट वाला ईयरबड का काम किया है कि यहाँ पर एक बार आप इसको टच कंट्रोल जो है यहाँ पर लगा हुआ है इस एरिया में, तो यहाँ पर एक बार टच करेंगे तो आपका सॉन्ग प्ले या पॉज हो जाएगा। प्ले और पॉज करने के लिए एक बार टच करना है, और ये राइट है इसलिए इसका जो बीस मोड ऑन करने के लिए इस टच कंट्रोल में आपको 3 सेकेंड तक होल्ड करके रखना होगा यहाँ पर, तो आपका जो है बीस मोड ऑन हो जाएगा। इसको आप अगर 5 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे तो इसका जो पावर भी ऑफ हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं पावर ऑफ हो गया इसका। इसका पावर ऑफ करने के लिए 5 सेकेंड तक होल्ड करना पड़ेगा, और पावर ऑफ के लिए दोनों का सेम ही है। और आप इसको सिंगली भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंगल यूज़ करेंगे तो इसको यहाँ पर रखना है, निकाल लेना है, और एक को चार्जिंग केस में लिड बंद करके रखना है, तो आपका ये सिंगली यूज़ कर पाएंगे आप। और यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर जो सॉन्ग चेंज है प्रीवियस ट्रैक या फिर आप नेक्स्ट ट्रैक पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा, राइट वाला ईयरबड है तो इसका डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा, नेक्स्ट सॉन्ग पे चेंज हो जाएगा। और अगर लेफ्ट यानी इसका आप करेंगे, इसमें डबल टैप करेंगे तो आपका जो प्रीवियस सॉन्ग पे ये चला जाएगा। और मैं इसमें बता दूँ, अगर आप ये सिंगली यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट और जो प्रीवियस ट्रैक पे जाने का जो ऑप्शन है वो आप काम नहीं करेगा सिंगल यूज़ करने पर, तो आपको दोनों को ही यूज़ करना पड़ेगा साथ में, तभी ये जो दो फीचर है वो काम करेगा। तो यहाँ पर अगर लेफ्ट का यहाँ पर टच कंट्रोल पे आप 3 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो गूगल वॉइस है आपके फ़ोन में डिवाइस में पॉपअप हो जाएगा, जो उसका स्क्रीन है। तो ये वॉइस असिस्टेंट के लिए है, और ये जो है बीस मोड के लिए, दोनों में 3 सेकंड करेंगे तो एक में इसमें वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा, इसमें बीस मोड ऑन हो जाएगा, और 5 सेकंड होल्ड करेंगे दोनों पावर ऑफ हो जाएगा। क्लिक करेंगे मतलब कॉल आ रहा होगा, तो आप 1 क्लिक पे कॉल रिसीव कर सकते हैं, और अगर कॉल आपको काटना होगा 3 क्लिक पे कॉल कट कर सकते हैं। सो ये है कुछ इसका कंट्रोल्स। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसको ऑन करने के, लिड को ऑन करने के साथ साथ ये जो है पावर ऑन हो जाता है। और अगर आपको इसको मैन्युअली पावर ऑफ करना है तो मैंने बता दिया 5 सेकंड तक करना है, और अगर आप ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि ये जो पावर ऑफ हो तो यहाँ पर आपको सिंपली इस तरह प्लेस कर देना पड़ेगा इन ईयरबड्स को, ये पावर ऑफ अपने आप
हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो गया। तो ये है कुछ इसका कंट्रोल्स के बारे में। और बाकी इसका जो कूल इफेक्ट है, मतलब ये जो आरजीबी लाइटिंग दिख रहा है आपको, ये काफ़ी अच्छा है, सुंदर है देखने को। ये जब चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आरजीबी जो रीडिंग मोड पे है वो ऑन हो जाता है, और निगलिट को ओपन करने के साथ भी ये जो आरजीबी जो स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ है इसका फीचर्स। और टाइप सी दिया गया है, फास्ट चार्जिंग है। और यहाँ पर इसका जो बैटरी एमएएच है ईयरबड्स का है वो 40 mAh है। एक ईयरबड्स का जो है 40 mAh का बैटरी कैपेसिटी है और इसका 40 mAh है, दोनों मिलाकर 80 mAh होगा। और इस केस का जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 400 mAh, यानी 400 mAh का ये बैटरी बैकअप इसका कैपेसिटी है। और यहाँ पर 40 आवर का बैटरी बैकअप देता है दोनों मिलाकर, तो टोटल आपको यहाँ पर 40 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा इसमें। सो गेमिंग भी मैंने खेल कर देखा है, तो यहाँ पर गेमिंग का जो मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसका बीस मोड पे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है, और साउंड भी आपको ज़्यादा दिल्ली देखने को नहीं मिलता है। अगर आप ध्यान से अगर वीडियो प्ले करेंगे तब देखने को मिलेगा, बाकी गेमिंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बीस मोड अच्छा है इसका, और बाकी सब ओवरऑल मुझे ये ठीक लगा है। वाइट कलर है तो इसलिए देखने को भी बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए इसका वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आज के लिए तो इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।